हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हिंदी ट्रांसक्रिप्शन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वही मैंने इस वीडियो में बताया है। आइए चलते हम लोग देखते हैं कि की और की का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये हर्षी की होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे वह इतना हंसा कि गिर गया, ठीक है, ये की आया। और उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और जो दीर्घी की होता है, जिसे राम की किताब, यानी ये दो वाक्यों के बीच संबंध को बता रहे हैं, सर्दी की ऋतु, ठीक है। और ए और ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जब दोनों वाक्य में एक साथ आ जाते हैं, जैसे किए गए हैं, तो यहाँ पे ए का प्रयोग पहले होगा और ये ए का प्रयोग बाद में होगा, ठीक है। वहीं इसमें लिखा गया है कि यदि ए और ए एक साथ अंत में आए तो पहले स्थान पर ये का प्रयोग और दूसरे स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नो चिन्ह, ये सब अगर अंत में आते हैं तो वहाँ पे स्पेस नहीं दिया जाता है। जैसे वह बाजार जाता है, तो जाता है के बाद स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे है पूर्ण विराम देने के बाद ही स्पेस दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह में भी देने के बाद स्पेस दिया जाता है। पंचमाक्षर का प्रयोग, पंचमाक्षर का रूल कहता है कि यदि वर्णमाला के हर व्यंजन वर्ग के पहले, चार वर्णों के पहले यदि अनुस्वार की ध्वनि हो तो उस वर्ग का पांचवा वर्ण आधा होकर लगता है। जैसे अगर कवर्ग हम लोग लेते हैं तो क ख ग घ और अंत में पांचवा आता है अंग, तो अगर अनुस्वार की ध्वनि अगर ये चारों क ख ग घ के पहले आती है तो वहाँ पे अंग को आधा करके लगाते हैं। जैसे कवर्ग लिखना, कवर्ग में पंकज लिखना होगा तो प अंग को आधा करके कज लिखा जाएगा। गंगा में ग अंग को आधा करके गंगा, वैसे ही चवर्ग में च इं का आधा करके चंचल, तवर्ग में विंडोज, द के पहले अण को आधा करके, प के पहले म को आधा करके पवर्ग में, और तवर्ग में न को आधा करके इसे कुंती, ठीक है। इसमें गलतियां कहाँ होती हैं, तो पंडित के स्थान पर जो न लगता है ये गलत हो जाता है, विंडोज के स्थान पर न नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये गलतियां में आ जाती हैं। और पंचमाक्षर में जो होता है अनुस्वार से काम चल जाता है, जैसे कुंजी लिखना होता कु पर बिंदु कुंजी गंगा चंचल। गलतियाँ के ध्यान देने के लिए आप लोग यहाँ ध्यान देना है, पंडित में ना नहीं लगाना है, विंडोज में ना नहीं लगाना है, ये सब ऐसे कुछ वर्ड आता है, ठीक है। और है ई और ई की मात्रा के लिए, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देने की बात है कि अगर आप कीमत पढ़ते हैं, ये उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कीमत आसानी से पढ़ा जा सकता है कीमत, अगर वहीं जोड़ देंगे हम लोग तो की मत, इसमें मतलब अगर हम लोग की को पढ़ने में 1 सेकेंड लगता है तो इसको दीर्घी की को पढ़ने में हम लोग को 4 सेकेंड लगता है, ये तो कीमत आसानी से कीमत। वैसे ही विनती की धर, हम लोग ये लिखने में भी उल्टा लगता है, नहीं गलत है की धर, उच्चारण में भी गलत हो जा रहा है। शिला, तो अब ये डिपेंड करता है कि उसके किस अर्थ पे लिखा जा रहा है, अगर शिला लिखेंगे हम लोग तो वो पहाड़ वाला पर्वत की शिला हो जाएगा, और शिला एक ये लिखते हैं तो ये गर्ल्स का नाम हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार उ और दीर्घ उ में क्या क्या अंतर होता है, जैसे सूर, हर शब्द से लिखेंगे सूर, और ये दीर्घ उ से लिखेंगे सूर, मतलब दोनों का अर्थ के अनुसार ये लिखा जाता है। तुम, अगर हम लोग तुम, ये उल्टा पढ़ जाता है, गलत हो जाता है, पढ़ने में भी गलत लग रहा है। और जैसे मधुर, मधुर है, इसको अगर हम लोग 1 सेकेंड में पढ़ते हैं, मधुर इसको पढ़ते हैं हम लोग मधुर, ठीक है, इसको पढ़ने में टाइम लगता है। फुदकना, 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 ठीक है। भालू, अब सिंपल इसको भालू नहीं कहा जा सकता है, भालू, झूमना, घूमना इत्यादि, सबको मतलब कि इन सब वर्ड्स पे कुछ जोड़ लगा के कहना पड़ता है, ठीक है। और ये नीचे मैंने बताया है कि मंगल फॉन्ट में जो हम लोग टाइप करते हैं तो वहाँ पे फॉन्ट लिखना होता है तो फा ऊपर बिंदु देते हैं तो बीच में नहीं आ पाता है, तो उसके लिए आप एक बार स्पेस बार दबाइए, बैक स्पेस कीजिए और वहाँ पे